नमस्कार, आज के वीडियो में हम ग्रो ऐप में FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम ग्रो ऐप में लॉगिन करके आ गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ नीचे की ओर देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट एंड टूल्स वाला है यहाँ पे एक सेक्शन। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ FNO का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पॉप अप विंडो खुल के आएगी, तो आपको नीचे की ओर दिखाई देगा ओके वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे हरा बटन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है FNO, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 5 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ का यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप पहले विकल्प में आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, दूसरे में आपको दिखाई दे रहा होगा सैलरी स्लिप, तीसरे में ITR एक्नॉलेजमेंट, और चौथे में फॉर्म 16B, और आपका पांचवें में दिखाई दे रहा होगा DP होल्डिंग, जो आपके जो पोर्टफोलियो का यहाँ पे स्टेटमेंट होती है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इसको चुन लेंगे। तो फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे प्रोसीड टू अपलोड वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पे दो तरीके की फाइल है, PDF और JPEG। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपकी फाइल में यहाँ पे पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड को हटा के यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे दाएं साइड में लाल बॉक्स के में दिखाई दे रहा होगा एक प्लस वाला साइन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो आएगी, तो आपको यहाँ पे अलाउ पे यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो फाइल होगी उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जी, आप देख सकते हैं हमने अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया सफलतापूर्वक। उसके बाद आपको नीचे की ओर आएंगे तो आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई देगा, अगर वहाँ पे टिक नहीं है तो आप टिक कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ जो आपकी रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक रिसीव कर ली गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट है यहाँ पे 24 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दी जाएगी, जिसके बाद आपका जो FNO सेगमेंट है यहाँ सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका यहाँ पे DMAT ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रो ऐप में है, तो आप इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने यहाँ पे अपने FNO अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट किया है, तो आप इस सेम प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।